नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। हमारी पहली खबर है यूपी से, जहां चुनाव ड्यूटी पर 1621 की मौत, सरकारी आंकड़ा सिर्फ 3 का। कोविड-19 स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार उत्तर भारत में मौत का सरकारी आंकड़ा बहुत कम। तेलंगाना किसानों ने फसल खरीद में की देरी, फसल बीमा में कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना अपडेट, देश भर में 24 घंटों में 276,110 नए मामले, संक्रमण से अब तक 2.87 लाख लोगों की मौत। और आखिर में इजराइल हमलों के बीच दुनिया भर में फिलिस्तीन का समर्थन। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों संपन्न हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की मौत के आंकड़ों पर प्रदेश सरकार और शिक्षक संगठनों की तरफ से अलग अलग आंकड़े जारी हुए हैं। शिक्षक संगठनों की माने तो हाल में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मियों की कोरोना से मौत हुई है। संगठनों ने सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और आश्रितों को सरकारी नौकरी की मांग की है, जबकि यूपी सरकार के मुताबिक यह आंकड़ा महज 3 का है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षक संगठनों के दावे को गलत ठहराते हुए कहा है कि स्थापित मानकों के हिसाब से देखें तो चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। वहीं विभाग के सचिव सत्य प्रकाश की तरफ से जारी प्रेस नोट में भी मतगणना में लगे कर्मचारियों के निवास से ड्यूटी स्थल तक पहुँचने और फिर ड्यूटी समाप्त कर वापस घर पहुँचने के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत की बात कही गई है। मृतक के परिजन को अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पत्र के साथ एक सूची भी संलग्न की गई है, जिसके मुताबिक आजमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा 68 शिक्षकों कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के 23 ऐसे जिले हैं जहां 25 से अधिक शिक्षकों कर्मचारियों के संक्रमण से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप इन सभी मृत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों तथा अन्य कर्मचारियों के परिजन को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और सिर्फ चुनाव ड्यूटी पर हुई मौतों की बात नहीं है, स्थानीय रिपोर्टों को देखें तो पता चलता है कि उत्तर भारत में कोविड से हो रही मौतों को सरकारी आंकड़ों में बेहद कम दिखाया जा रहा है। 14 मई को दैनिक भास्कर की खबर में दिखाया गया था कि यूपी के गाजियाबाद, कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर, कन्नौज और बलिया क्षेत्र में गंगा किनारे करीब 2000 लाशें मिली थी। इन खबरों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विशेषज्ञों ने बताया है कि सरकारी आंकड़ों में भी मौतों की अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है। कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में करीब 3.4 लाख कम मौतें दर्ज की जा रही हैं। IHME के अनुसार भारत में जो मौतें दर्ज हो रही हैं, असल आंकड़ा उनसे 3 गुना ज़्यादा है। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका ने 4.3 लाख, मैक्सिको ने 4 लाख, ब्राज़ील ने 1.9 लाख और रशिया ने 4.8 लाख मौतों को दर्ज नहीं किया है। भारत में मौत का असल आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से काफ़ी ज़्यादा है, जो स्थानीय पत्रकारों, अखबारों की खबरों से ही पता चलता है। मंगलवार को तेलंगाना के मेडक जिले के शिवमपेट गांव में कई किसानों ने सरकारी खरीद केंद्र द्वारा धान की फसल की खरीद में देरी को लेकर कीटनाशक की बोतलों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें रसायन का सेवन करने की धमकी दी गई थी। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार उसी दिन खम्मम जिले में एक काश्तकार किसान ने खरीद में देरी की शिकायत करते हुए एक कृषि बाजार के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। रिपोर्टों के अनुसार खम्मम जिले के नेलो कोंडापल्ली गांव के किराएदार किसान गद्दाम लिंगया ने एक खरीद केंद्र के पास कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, क्योंकि वह एक खरीद केंद्र के पास 20 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी अपनी धान की फसल बेचने में असमर्थ था। उसके साथी किसानों ने उसे रोका और उसे जिले के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 20 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में
कोरोना के 276,110 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज 3,874 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 3,69,077 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 96,841 मामलों कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 2,57,72,440 हो गई है, जिनमें से अब तक 287,122 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना से पीड़ित 86.74% यानी 2,23,55,440 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 12.14% यानी 31,29,878 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 18,70,09,792 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 11,66,090 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। और आखिर में हम बात करेंगे फिलिस्तीन के 73 साल से जारी कॉलोनियलिज्म और सैन्य कब्जे के खिलाफ संघर्ष का समर्थन दुनिया भर के संस्थानों और आंदोलनों ने किया है। इसराइल द्वारा फिलिस्तीन के गाजा में जारी हमले शेख जर्रा और पूर्वी जेरूसलेम से लोगों को हटाने की इसराइल की कोशिश का लोग विरोध कर रहे हैं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।